पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के रोडवेज बस स्टैंड से लाखों रुपए की प्रतिबंधित दवाइयां पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। दवाइयों का यह जखीरा बस पर लाद कर कहीं ले जाया जा रहा था। देर रात मुरादाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर बस से उतर रहे बोरों पर की गई छापेमारी कार्यवाही से हड़कंप मच गया। दरअसल मुरादाबाद ड्रग विभाग की टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग रात के अंधेरे में रोडवेज बस की छत पर लाद कर प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा लेकर मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर ड्रग्स विभाग की टीम ने पूरी तैयारी के साथ देर रात रोडवेज पहुंची बस की घेराबंदी करते हुए माल सहित तीन लोगों को पकड़ लिया। ड्रग्स विभाग ने जब दवाइयों के बोरे खोले और देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कुछ दवाइयां तो इतनी खतरनाक थीं जो मार्केट में बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ड्रग्स टीम इंचार्ज ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग आगरा से बस द्वारा प्रतिबंधित और नॉट फॉर सेल की दवाइयां लेकर मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। ये हमको आगरा से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कल रात कि रोडवेज बस से कोई व्यक्ति नशे की और फिजिन सैंपल नॉट फॉर सेल की मेडिसिंस रोडवेज बस से ला रहा है। एक्सपेक्टेड टाइम उसने बताया था कि ये लगभग 2 से 4 बजे के बीच में पहुंचेगी। तो उसी पे जो है हमने रात को इस पर बस पे ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसी बस से ये माल उतरा है इसको पकड़ा है। इसके अंदर जो है जो बरामदगी हुई है बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरापिनाम इसके अंदर जो है पाया गया है, जिसकी MRP 970 रुपये है, जो कि फिजिशियन सैंपल के रूप में है। क्वांटिटी इतनी हैवी है कि 200 इंजेक्शन है, यानी कि वो 2 लाख से ऊपर तो अकेला एक इंजेक्शन ही बैठ रहा है। इसके अलावा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड का पूरा जो है एक बोरा मिला है और भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। मौके से जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं इसके, जिन्होंने बस भगा ली वहाँ से मौके से, उसके भी नाम पते इन्होंने बताए हैं और उनके खिलाफ़ भी मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। सर बस का नंबर क्या? बस का नंबर था UP 21AN 3327। उसका बस ड्राइवर का नाम अजय है और कंडक्टर का नाम इन्होंने जो है संजीव बताया है। तो पकड़े गए इन्होंने क्या नाम बताया? जो लोग ये पकड़े गए हैं पांचों के तीन के तीन, इन्होंने अपने नाम, एक का नाम वीरेंद्र सिंह सैनी है, दूसरा रूप किशोर है और तीसरा ख्याली राम सैनी है। ये तीनों कटघर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, ये डबल फाटक के रहने वाले। कहां से लाते थे माल? ये आगरा से लाते थे। ये देखिए अभी ये बहुत ही घाग है, शातिर किस्म के लोग हैं, अभी कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। जो इनसे रिकॉर्ड मिला है, जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिले हैं, उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि ये आगरा से आया है, क्योंकि आगरा से इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसके पास आगरा का बस का टिकट मिला है। ये मैं आपको एक बताया, जैसे मैंने अभी तक 26 आइटम लिखे हैं तो उसमें से एक ही आइटम की कीमत 1,85,000 बैठ रही है। तो उस हिसाब से अगर जो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ तो लगभग 20 से 25 लाख रुपये का।